हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक होली 29 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार होली से करीब 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। होली से पहले के इन 8 दिनों का समय बेहद अशुभ माना गया है, इसीलिए इस अवधि में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वही होली के दिन से हिंदी कैलेंडर के पहले माह चैत्र की शुरुआत होती है। यही नहीं, होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली का पौराणिक कथाओं में जुड़ाव भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनकी भक्ति से नाराज असुर पिता हिरण्यकश्यप से है। इन सब के बीच होलाष्टक का भी अपना महत्व है। हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। इस वर्ष यानी साल 2021 में ये 22 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक रहेगा। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को की जाएगी। इसके बाद अगले दिन रंगों के साथ होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलाष्टक में मुख्य तौर पर सभी प्रकार के शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। ये वो समय भी होता है जब होलिका दहन के लिए तैयारी शुरू की जाती है। एक स्थान चुना जाता है और लकड़ियों सहित अन्य चीजों को वहाँ जलाने के लिए जमा किया जाता है। ऐसे में होलाष्टक के दौरान विवाह का मुहूर्त नहीं होता है। इन दिनों विवाह नहीं करना चाहिए, साथ ही नए घर में प्रवेश या कहे कि गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। भूमि पूजन भी नहीं करने की परंपरा है। नवविवाहिताओं को इन दिनों में मायके से ससुराल या ससुराल से अपने मायके नहीं जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। 16 प्रकार के संस्कार हिंदू धर्म में बताए गए हैं। इनमें से किसी भी संस्कार को संपन्न नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक से जुड़ी दो अहम कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने भक्ति को भंग करने और ध्यान भंग करने के लिए लगातार 8 दिनों तक कई तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। ऐसे में कहा जाता है कि इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यही 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। 8वें दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। प्रहलाद के जीवित बचने की खुशी में दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। एक और कथा ये भी है कि जब कामदेव ने प्रेम बाण चलाकर भगवान शिव की तपस्या को भंग किया तो वो क्रोधित हो गए। इसके बाद भगवान शंकर ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होते ही पूरी सृष्टि में शोक फैल गया। ऐसे में कामदेव की पत्नी ने उन्हें जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा होते ही एक बार फिर से पूरी सृष्टि में चहल पहल और खुशियां फैल गई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारी Facebook पेज को फॉलो करें।